मैं नदीम अकरम प्राइम टाइम में आज फिर हाजिर हूं गोदी मीडिया का बदनुमा चेहरा लेकर के। जी हाँ, गोदी मीडिया के ऊपर बात करने के लिए आज मैं जो जुड़ा हूं उसकी वजह है मेरे पास काफी सारी। ममता बनर्जी के बयान को गोदी मीडिया इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है कि पूछो मत, कि सारा गुनाह जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल साफ सुथरा सभी बिल्कुल साफ सुथरी छवि पेश करने में लगी हुई है। मकसद सिर्फ एक कि 2019 का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी से साफ किया जा सके। ममता बनर्जी ने जब से कल एक सभा में भारतीय जनता पार्टी को एक आतंकवादी संगठन करार दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और गोदी मीडिया में काफी हलचल पैदा हो गई है और वो पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो लोग पश्चिम बंगाल की खबरों को लेकर के तमाम अफवाहें फैला रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुओं पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी मुस्लिमों की पक्षधर हैं, वो हिंदुओं पर जुल्म कर रही हैं। तो इस तरीके की धार्मिक भावनाएं भड़का करके गोदी मीडिया पूरी तरीके से ममता बनर्जी को बदनाम करने में लगा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जो गोदी मीडिया ममता बनर्जी को टारगेट कर बदनाम कर रहा है। ऐसा पहले भी वो कई बार कर चुका है। अगर हिंसा भी होती है तो वहां पर ममता बनर्जी को इस तरीके से पेश करता है कि उसके उसके पीछे सारा हाथ ममता बनर्जी का है। जब बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना घटती है तो हम लोग उसे बीजेपी शासित राज्य करके उस घटना को दिखाते हैं, तो गोदी मीडिया उस पर भी एतराज जताने लगा है। गोदी मीडिया इन खबरों को फेक बता करके अपनी खबरों को सही बताने की कोशिश में लगा रहता है। अभी जहां कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता की जिस बर्बरता से पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई थी, उसके ऊपर भी गोदी मीडिया ने पश्चिम बंगाल को लेकर के खूब बवंडर काटा था। उसने ममता बनर्जी को और टीएमसी को हत्या का आरोपी तक घोषित कर दिया था, जबकि इसका कोई सबूत नहीं मिला था। उसने टीएमसी को और ममता बनर्जी को टारगेट कर खूब सुर्खियां बटोरी और ममता बनर्जी को शक की निगाहों में ला करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। उसके बाद जो खबरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और बजरंग दल के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता की हत्या कर दी थी। उसके बाद उन लोगों को सजा दी गई और जब ये खबर सामने आई तो गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली कि जैसे उस घटना में टीएमसी का हाथ था ही नहीं। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छवि सुधारने के लिए और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाता है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। कोबरा पोस्ट में गोदी मीडिया पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है कि वो किस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहा है। विपक्ष की छवि खराब करने में इनकी पूरी भूमिका रहती है और उन्होंने ये बताया भी है कि भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करने के लिए हमने कुछ टैगलाइन विपक्ष के नेताओं के लिए चुने हैं। जैसे यूपी में जाए तो बुआ और बबुआ की सरकार, अखिलेश यादव और मायावती पर तंज करना। राहुल गांधी की बात करें तो उन्हें पप्पू का टैगलाइन देना और ममता बनर्जी की बात करें तो उन्हें दंगे भड़काने का आरोपी तक साबित कर चुका है ये गोदी मीडिया। आखिरकार विपक्ष को खत्म करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राह पर आसानी से चल रहा है गोदी मीडिया। इस बयान को लेकर के जो ममता बनर्जी ने कल दिया
उसको लेकर के पूरी तरीके से डिबेट करने बैठ गया मोदी मीडिया के ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अल्फाज गलत यूज किया। सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी में उलझा हुआ है मोदी मीडिया, मेन मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। जहां बीते 5-4 दिनों में गाय के नाम पर मुस्लिमों की हत्या हो रही है, दलितों को मारा पीटा जा रहा है, इन लोगों की बात ना करके वो ममता बनर्जी की छवि धूमिल करने में लगा हुआ है। क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार की बात हो, चाहे मुसलमानों को गाय के नाम पर मारने की बात हो, ये सब बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है। और इसलिए इन खबरों को दबाने के लिए गोदी मीडिया पुरजोर तरीके से लगा हुआ है, ताकि इन मुद्दों से ध्यान भटका करके ममता बनर्जी के ऊपर ध्यान लाया जा सके कि ममता बनर्जी ने जो कहा है वो गलत कहा है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के मैं प्राइम टाइम में आप सबके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको खबर कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलिएगा।